आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज, बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम। आज मैं यहाँ गाजीपुर दिल्ली NH 24 पर हूँ। यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ द्वारा कोरोना महामारी से पीड़ित बहुजन समाज के प्रवासी मजदूरों की मदद की जा रही है, जिसमें महासंघ के राष्ट्रीय सलाहकार RP मीणा, राष्ट्रीय चेयरमैन BS भारती, चेयरमैन OP सागर, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव KP चौधरी हैं। आइए सुनते हैं KP चौधरी जी क्या कहते हैं। दिल में एक भावना आई तो आज हमने कुछ लोगों के लिए चप्पलों की व्यवस्था एक ही है। अच्छा, कितना चप्पल बंटवा रहे हैं ये करीब इस समय? आज तो हम 1000 लोगों के लिए 1000 जोड़ा लेकर आए हैं। और ये पानी की बोतलें हैं, बिस्किट्स हैं, और इसके साथ इनके लिए हम जो है मुंह पर लगाने के मास्क भी लेकर आए। सरकारी नहीं है ना ये, आपका एसोसिएशन दे रहा है? बिल्कुल, ऑल इंडिया फेडरेशन SC ST ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, प्योरली एक सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का एक संगठन है, अपेक्स बॉडी है, जो 1997 से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। इसके चीफ पैटर्न माननीय R जोशी साहब बैठे हुए हैं, मुख्य सलाहकार जो है PR मीना साहब IAS रिटायर्ड बैठे हुए हैं, और इंजीनियर BS भारती साहब हमारे चेयरमैन हैं इसके, जो CPWT से हैं। आर की तो इतनी जिम्मेदारी थी कि आज अब बहुत लास्ट में आकर के इन लोगों ने कहा कि हम बस का इंतजाम कर रहे हैं या रेलगाड़ी का इंतजाम कर रहे हैं। पिछले डेढ़ महीने से जो उनकी हालत है, इस देश का जो सबसे बड़ा श्रमिक, जो इस देश का डेवलपमेंट में काम आता है, जो इस देश का विकास करता है, वो आज नंगे पैरों बुआई फटा हुआ, भूखा नंगा प्यासा, बेइंतहा जो मुसीबतों को अनटोल्ड बाजरी फेस करता हुआ, वो आज अपने घर से 500-500 किलोमीटर दूर से इस तपती धूप में अपने बच्चे के कंधे पर लेकर के पुटलिया रख करके जा रहा है। ये ऐसा विभत्स, ऐसा सीन मेरे ख्याल हमने न कभी देखा, न शायद आगे देखने को मिलेगा। आज पूरे भारतवर्ष में जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो किसी भी पार्टी की है, आज मैं समझता हूँ वो सबकी सब कहीं ना कहीं फैल नज़र इसलिए होती नज़र आ रही है कि उन्होंने कोई भी, जब वो पैदल निकले, हाँ हमारे पास इतना बड़ा ट्रांसपोर्टर सिस्टम है, सरकार का सिस्टम ठीक नहीं था जैसे जोशी साहब बता रहे हैं, इसलिए हमारे जो वॉलंटियर्स है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, फेडरेशन से, उनको आना पड़ा। क्योंकि जब चैनल्स में देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि लोग बाग बड़े जिनके चप्पल नहीं है और बच्चों को कंधे पर लेके ले जा रहे हैं, 400-400 किलोमीटर साइकिलों से जा रहे हैं, तो इन्होंने सोचा है फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कि ऐसे टाइम पर हम सबको भी मदद करना चाहिए। इस अवसर पर बहुजन समाज के इन जरूरतमंद लोगों को महासंघ के द्वारा खाने का सामान, पानी की बोतलें, मास्क व पहनने के लिए चप्पल वितरण की गई, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे बहुजन समाज के लोग सुबह से ही यहां मौजूद थे। मानो यहां का नज़ारा देखकर ऐसा लगने लगा कि जैसे महासंघ ने यहां आकर इन सब लोगों की भावनाओं को समझा। यह सब कार्य संगठन ने पे बैक टू सोसाइटी को ध्यान में रखकर किया। समय समय पर यह संगठन इस तरह का परिचय देता रहा है। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।